यहां तक अभी तक आपको दिखा दिया है, ब्रिटिश एफिडेविट दिखा दिया है, ये दिखा दिया है कि खुद कांग्रेस की सरकार ने उत्तर प्रदेश में माना था 1965 में कि ज्ञानवापी को बनाया गया मंदिर को तोड़ के, तो आज आप उसको बीजेपी का एजेंडा कैसे कह सकते हैं? आपकी खुद की सरकार ने बोला उत्तर प्रदेश में कि यहां तो मंदिर था। देखिए मैडम, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इसके दौर में ये हादसा पेश आया, वो एक इस्लाम के बहुत सख्ती से इस्लाम पर अमल करने वाले बादशाह रह चुके। तो मैं एक हैदराबाद की एक आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि हैदराबाद में एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसे इलाके में आज से 3 साल पहले एक मस्जिद बनाई गई जिसकी जमीन को लेकर कुछ आपसी इख्तलाफ लोगों में, कि जिसकी जमीन थी वो बेचना नहीं चाह रहे थे, 4 लोगों की जमीन थी, उसमें से 3 लोग वो जमीन को मस्जिद के लिए देना चाह रहे थे, 1 लोग नहीं देना चाह रहे थे। तो उस बिना पर कुछ बाद में फिर आपसी बातचीत के बाद वो मस्जिद की जमीन बेच दी गई, वहां पर मस्जिद बनी। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उस मस्जिद में आज भी मैं जाकर नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने में आया, ऐसा मालूम हुआ कि वो जो जिस जो जमीन का हकदार था उसकी जमीन पर उसकी जमीन कुछ पिछड़ाएं उससे ली गई, चाहे मेरे को ऐसा पर्सनल तो आपका पर्सनल बिलीफ ये है कि ज्ञानवापी को हिंदुओं को दे देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मुझे बात करने के लिए टाइम दीजिए ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरा ये ऐसा इस्लाम में ये है कि अगर किसी से जबरदस्त या जबरदस्ती किसी की जमीन पर मस्जिद बनाई जाए तो उसमें नमाज नहीं होती। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक इस्लाम के बहुत पाबंद बादशाह हो चुके, वो कभी उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती नहीं करते थे कि किसी मंदिर को तोड़कर उसकी जगह नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि उनको ये मालूम था कि उनको इस्लाम में है कि किसी मंदिर में या किसी दूसरी इबादत गाह में नमाज नहीं होती। ये काम की तरफ अगर आप या फिर उल्टा ये हो सकता है कि औरंगजेब ने अगर जानबूझ के तो ये किया है, तो मतीन शरीफ साहब आप इस बात की अगुवाई करें कि आप कहें कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए और हमें वापस दे देनी चाहिए, ये भी हो सकता है।